जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं ज़िंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो ज़रूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहें। शायद इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता, साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है।
तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लग गई और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपनी नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है परंतु वो सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं होती उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षडयंत्र ही करते रहते हैं एक दिन वो खुद ही बड़े षडयंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और केकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।